बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द मैथ वर्ल्ड। मैथ वर्ल्ड में खुश आमदीद। मैथ वर्ल्ड आज आपके सामने एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने जा रहा है। उससे पहले कि अगर आप पहली दफ़ा इस चैनल पर आए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपका 2019 के फैसलाबाद बोर्ड में आया हुआ था, 2019 में ही लाहौर बोर्ड में आया हुआ था, और इसी तरह 2018 में सरगोधा बोर्ड में आया हुआ था। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद है कि ये 2020 में भी ऑल बोर्ड्स ऑफ पंजाब आ जाएगा, एक्सपेक्ट किया जाता है। सिंस वी नो दैट ए एम, अर्थमेटिक मीन का जो फार्मूला है वो गिवन है, वो हमें याद होना चाहिए। ए प्लस बी ओवर टू होता है, और बिटवीन गिवन ए एम यानी इसके दरमियान आपने अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है, तो वो ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन ओवर ए की पावर एन माइनस वन प्लस बी की पावर एन माइनस वन। इन दो इक्वेशंस को हमने आपस में कंपेयर करना है। कंपेयर करने से ए एम से ए एम, लेफ्ट हैंड साइड में ए एम लिखा हुआ है, तो इस तरह ए एम से ए एम कैंसिल हो जाएगा। पीछे जो हमारे पास बच जाएगा ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन ओवर ए की पावर एन माइनस वन प्लस बी के एन माइनस वन इज इक्वल टू ए प्लस बी होल ओवर टू। अब हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाइंग, टू के साथ ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। टू जब ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन से मल्टीप्लाई होगा, तो इसी तरह इधर से ए प्लस बी जो है ये मल्टीप्लाई होगा ए की पावर एन प्लस एन माइनस वन प्लस बी की पावर एन माइनस वन के साथ। तो ये बन जाएगा टू इंटू ए की पावर एन प्लस टू इंटू बी की पावर एन इज इक्वल टू, ए जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ए की पावर एन माइनस वन इंटू ए की पावर वन, माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, ए की पावर एन जो है वो आंसर आ जाएगा। यानी हम जानते हैं कि जब हम ए की पावर एन को मल्टीप्लाई करते हैं ए की पावर एन माइनस वन को ए की पावर यानी ए के साथ, तो इस तरह जो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा वो इस अंदाज में आएगा, ए की पावर एन माइनस वन प्लस वन, तो माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो जाएगा और ए की पावर एन जो है वो हमारे पास इसका सलूशन आ जाएगा। इसी तरह बी के देखें तो बी की पावर एन माइनस वन जब मल्टीप्लाई होगा बी के साथ, तो वो भी बी की पावर एन बन जाएगा। अब ए जब मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो हमारे पास आ जाएगा ए इंटू बी की पावर एन माइनस वन। इसी तरह बी जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास बन जाएगा बी इंटू ए की पावर एन माइनस वन। यानी जब बी बी एन माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा तो बी एन बन जाएगा। अब हमने देखना ये है कि ये ए की पावर एन वाले टर्म इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं और ये बी की पावर एन वाली टर्म बी इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं। इस तरह ए की पावर एन एक माइनस का है और ये प्लस टू, ए की पावर एन में से कैंसिल हो जाएगा, बी की पावर एन एक माइनस का है वो टू में से ये कैंसिल हो जाएगा। पीछे हमारे पास बच जाएगा ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एन माइनस वन इंटू बी प्लस ए इंटू बी की पावर एन माइनस वन। अब हमने देखना ये है कि ए की पावर एन वाली जो टर्म्स हैं उनको हमने सेपरेट कर देना है और बी की पावर एन वाली टर्म को हमने सेपरेट कर देना है। ये ए की पावर एन है, इधर से देखना है हमने ए की पावर एन वाली टर्म कौन सी है। ये जो टर्म हमारे पास फर्स्ट टर्म है ए एन माइनस वन इंटू बी, इस टर्म को हमने दूसरी तरफ शिफ्ट कर देना है, और इसी तरह ये जो बी एन वाली टर्म है इसको हमने इस तरफ शिफ्ट कर देना है बी एन एन माइनस वन वाली टर्म के साथ। यहाँ पर देखना है कि अगर हमारे पास ए की पावर जो एन लिखा हुआ है उसको मैं दोबारा लिख सकता हूँ एन को एन माइनस वन प्लस वन, जब मैं ये वाला फार्मूला इसके अंदर यूज़ करता हूँ तो ए की पावर एन माइनस वन आ जाएगा। तो ए की पावर एन माइनस वन, ए की पावर एन माइनस वन दोनों में आ रहा है, इसको मैं कॉमन ले लूँगा ए की पावर एन माइनस वन के साथ। तो दूसरी तरफ देखें तो हमारे पास जो एन था बी की पावर एन एन लिखा हुआ था, तो उस बी की पावर एन को मैं इस अंदाज से लिख सकता हूँ कि बी की पावर एन माइनस वन प्लस वन, ताकि मैं बी की एन माइनस वन जो है यहाँ से कॉमन ले सकूँ बड़ी आसानी के साथ। तो यहाँ मैंने बी की एन माइनस वन को कॉमन लिया, बी के एन माइनस वन को मैंने कॉमन लिया, तो इधर हमारे पास ए माइनस बी बच जाएगा, ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल हो जाएगा। और अगर मैं इसको बी के एन माइनस वन पर डिवाइड कर दूं दोनों तरफ, तो इधर हमारे पास वन बन जाएगा।
हमें पता है कि कोई भी क्वेश्चन हो जिसकी पावर 0 लिखी हो, यानी एक्स की पावर अगर मैं 0 लिख दूं तो वो हमारे पास 1 के इक्वल होता है। इसी तरह अगर कोई भी नंबर आ जाए, मिसाल के तौर पे ए ओवर बी इस अंदाज में लिखता हूँ और इसकी जो पावर है वो मैं 0 लिख देता हूँ, इसका मतलब इसका जो सोल्यूशन है वो 1 होता है। डेफिनेटली ए की पावर अगर एन माइनस वन हो और बी की एन माइनस वन हो तो ए ओवर बी उसकी पावर एन माइनस वन लिखी जा सकती है। आप देखें ये अगर एहसास दोनों के बराबर हों तो ये कैंसिल हो जाते हैं, तो पावरें जो है वो इक्वल हो जाती हैं, तो इस तरह एन माइनस वन जो है वो 0 के बराबर आ जाएगा, वहाँ से एन की वैल्यू जो है वो 1 निकल आएगी। ये देखें एक ये फार्मूला आपने यूज़ करना है और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक। इसके अंदर दो अरिथमेटिक मीन आपने यूज़ करने हैं और उनके फार्मूले आपके सामने गिवन हैं, उन फार्मूलाज को आपने यूटिलाइज करना है। इन दोनों को जब आप कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के बाद आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, यानी कमरा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद सिंपली आपने मल्टीप्लिकेशन इसके अंदर यूज़ करनी है। और एक बात का खास ख्याल रखना है कि जब आपने ए की पावर एन को मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास दो चीज़ें बनती हैं, ए की पावर एन माइनस वन इंटू ए, तो वो हमारे पास ए की पावर एन बन जाएगा। यानी इसी तरह फिर हमारे पास एक ऐसा लम्हा आएगा जहां हमने एन की वैल्यू जो है वो रिप्लेस कर देना है एन माइनस वन प्लस वन के साथ, क्योंकि वन वन और आपस में कैंसिल हो जाते हैं तो एन जो है वो बराबर एन के ही आ जाता है। तब हम इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं, जब ए की एन माइनस वन को ए की पावर एन वाली टर्म्स को सेपरेट कर देंगे और बी की एन माइनस वन या बी एन को हम सेपरेट कर देंगे, वहाँ से ए की एन माइनस वन और बी की एन माइनस वन को हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद वेरी सिंपल हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, एन की वैल्यू जो है वो निकल आएगी। उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।